दोस्तों, आज इस पर बताऊंगा कैसे अपने पुराने से पुराने एंड्रॉयड फोन को आईफोन बना सकते हो, यानी एंड्रॉयड फोन को आईफोन जैसा लुक डिजाइन दे पाओगे। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास दो फोन है, एक हाथ में आईफोन है और दूसरे हाथ में एंड्रॉयड फोन है। और यहाँ पर आईफोन लुक डिजाइन यूजर इंटरफेस देखिए, और एंड्रॉयड फोन में देखिए सेम यूआई यूजर इंटरफेस है, और दोनों फोन में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। आईफोन में जैसा लुक है, एंड्रॉयड फ़ोन में वही सेम लुक है। और यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप भी इस तरीके से अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन बनाना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए, और ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ ज़रूर से व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी हो सके शेयर करना, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, एंड्रॉयड टू आईफोन, ये छोटा सा कमेंट लिखकर जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों, जिस पर बताऊंगा कैसे अपने एंड्रॉयड फोन को आईफोन बना सकते हो, यानी एंड्रॉयड फोन को आईफोन जैसा लुक डिजाइन दे पाओगे। और ये बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक अकाउंट लिंक है, ज़रूर से मुझे फेसबुक में फॉलो कर लेना। फेसबुक में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले फ़ोन में सेटिंग ओपन कीजिए, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, नीचे देखिए ऑप्शन है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है, और यहाँ से लॉक स्क्रीन पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए, और फ़ोन में आपने जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक सेट किया है वो यहाँ पर एंटर कीजिए। फिर नीचे देखिए ऑप्शन है टर्न ऑफ पासवर्ड, यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर से पासवर्ड कंफर्म करके पासवर्ड डिसेबल करना यानी ऑफ़ करना, जो भी आपने फ़ोन में लॉक सेट किया है ऑफ़ करने के बाद ये सेटिंग क्लोज़ कीजिए। एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो, फेसबुक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक है ऊपर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखिए ये सभी आईफोन वॉलपेपर्स हैं, जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगे यहाँ से वॉलपेपर सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से टिक करना है। नीचे देखिए ऑप्शन गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये परमिशन अलाउ कीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद ये सेटिंग ऑन करना है, ओके एनेबल नाउ यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से एप्लीकेशन का नाम ढूंढ लीजिए और इसे ऑलवेज पे सेट कर लीजिए। ऑलवेज पे सेट करने के बाद ये सेटिंग ऑन करना है, ओके एनेबल नाउ यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से एप्लीकेशन का नाम ढूंढ कर ये सेटिंग ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद यहाँ से iOS स्टाइल यहाँ पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर नीचे ऑप्शन आएगा सेट एज ए डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट में सेट कर लीजिए। डिफ़ॉल्ट में सेट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से आपको एक से दो बार यहाँ पर टैप करना है, टैप कीजिए, और यहाँ पर देखिए आईफोन स्टाइल यहाँ पर हो चुका है, आईफोन में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा गोला है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से आप ये सारे सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करते हो होम में वापस आ जाओगे। देखिए यहाँ से मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए होम में वापस आ गया, यानी शॉर्टकट है जैसे आईफोन में होता है। अगर आप ये गोला हटाना चाहते हो, ये एप्लीकेशन ओपन कीजिए, और यहाँ पर नीचे आओगे देखिए ऑप्शन है टच, टच सेलेक्ट करना है, और यहाँ से ये सेटिंग बंद कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए गोला यहाँ पर हट चुका है, देखिए बहुत सारे यहाँ पर सेटिंग ऑप्शंस हैं। फिर आपको ये एप्लीकेशन फिर से ओपन करना है, और यहाँ पर नीचे आइए, और यहाँ पर देखिए लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से पिन या फिर पैटर्न सेट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से पिन सेट करूँगा तो सिलेक्ट कीजिए, जो भी आप सेट करना चाहते हो यहाँ पर एंटर कीजिए, और इसे फिर कन्फर्म कीजिए।
तो ये एप्लीकेशन से आपको लॉक सेट करना है, फिर इसे डन कर दीजिए। और यहाँ पर ये लॉक सेट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए वॉलपेपर, अगर आप वॉलपेपर सेलेक्ट करते हो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आईफोन वॉलपेपर्स मिलेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शन से यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। बस ये सारा सेटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आईफोन स्टाइल में ये कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये आईफोन है, यहाँ पर देखिए मैं फ़ोन लॉक करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं लॉक ओपन करता हूँ, और यहाँ पर देखिए आईफोन स्टाइल में ये लॉक है। देखिए यहाँ से मैं ये लॉक ओपन कर लेता हूँ, और ये देखिए लॉक ओपन हो चुका है। और ये फोन में देखिए और यहाँ पर देखिए दोनों फोन में देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, और ये आईफोन है और ये एंड्रॉयड फोन है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों फोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं यहाँ से स्वाइप करूँगा, यहाँ पर देखिए ये ओपन होगा। अगर मैं यहाँ से स्वाइप करूँगा देखिए ये ओपन हो रहा है, देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ऊपर करूँगा ये देखिए फिर से मैंने इंटरफेस आएगा। अगर मैं ये साइड से यहाँ पर स्वाइप करूँगा देखिए ये देखिए पैनल, पहले तो आपको ये सारे परमिशन यहाँ से अलाउ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस ऐसे देख सकते हो कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर देखिए फ्लैश लाइट, देखिए ये टॉर्च, यहाँ पर देखिए टॉर्च ऑन हो चुका है। तो कम्प्लीटली आईफोन में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर आईफोन डिज़ाइन हो चुका है, जैसे यहाँ पर देखिए आईफोन में जैसा है यहाँ पर भी वैसा ही है। तो ये डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मुझे उम्मीद है ज़रूर से आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।